नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी जोड़ियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा बनी रहें। तो दोस्तों, आज एक बहुत विशेष कहानी सुनेंगे जिसके बारे में, जिसका शीर्षक आपने पढ़ा कि सत्संग का असर क्यों नहीं होता। बहुत लोग बहुत सत्संग करते हैं, चीज़ों को सुनते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते, या उनके जीवन में उस चीज़ का बदलाव क्यों नहीं देखता, वो इस छोटी सी कहानी के माध्यम से हमें पता चल जाएगा। एक बार एक शिष्य गुरु के पास आकर बोला कि गुरुजी, हमेशा लोग प्रश्न करते हैं कि सत्संग का असर क्यों नहीं होता। तो मेरे भी मन में यह प्रश्न बार बार चक्कर लगा रहा है कि आखिर सत्संग का असर क्यों नहीं होता। गुरुजी बड़े ज्ञानी थे, वो बोले, वत्स, जाओ एक घड़ा मदिरा ले आओ, अर्थात शराब ले आओ। शिष्य मदिरा का नाम सुनते ही अवाक रह गया। गुरु और शराब, वो तो सोचता ही रह गया। गुरु ने कहा, क्या सोच रहे हो, जाओ एक घड़ा शराब ले आओ। वह गया और एक छलछलाता मदिरा का घड़ा ले आया जो ऊपर तक भरा हुआ था। गुरु के समक्ष रख के बोला कि अब क्या करूं। तो गुरु ने बोला कि आज्ञा का पालन कर। गुरु बोले, तो ये सारी मदिरा पी लो। शिष्य अचंभित हो गया। गुरु ने फिर से कहा कि तुम इस पूरी मदिरा को पी लो, लेकिन शिष्य इस बात का ध्यान रखना कि पीना पर से तुरंत ही कुल्ला करके थूक देना, गले के नीचे नहीं उतरना चाहिए। शिष्य ने वही किया, शराब मुंह में भरकर तत्काल थूक देता। देखते देखते पूरा घड़ा खाली हो गया। आकर गुरुदेव के सामने खड़ा हो गया तो गुरुदेव ने कहा कि क्या मदिरा का घड़ा खाली हो गया। शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, वो सारी शराब मैंने पी ली और उसे थूक दिया। तो गुरुदेव उससे पूछते हैं कि क्या तुझे नशा हुआ उस शराब का। तो शिष्य कहता है कि गुरुदेव, नशा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, और मदिरा पूरी की पूरा उसका जो घड़ा है वो भी खाली हो गया, लेकिन नशा नहीं चढ़ा। तो गुरुदेव ने कहा कि अरे मूर्ख, नशा तो तब आता जब मदिरा गले से नीचे उतरती, और गले के नीचे तो एक बूंद भी नहीं गई, फिर नशा कैसे चढ़ता। बस यही बात सत्संग की भी है कि जो लोग ऊपर ऊपर से सुन लेते हैं, जो लोग ऊपर ऊपर से जान लेते हैं, वो अपने गले के नीचे अपनी आत्मा तक उसको उतरने ही नहीं देते। और जब आत्मा तक नहीं उतरती तो वो व्यवहार में नहीं आती, और जब व्यवहार में नहीं आती तो जीवन में, हमारे व्यक्तित्व में उसका प्रभाव कैसे पड़ सकता है। गुरु को वचनों को केवल कानों से नहीं बल्कि मन की गहराई से समझें, एक एक वचन को हृदय में उतारें, और उस उतारने के बाद उन शब्दों को अपने आचरण में उतारें। निश्चित रूप से यदि आप दो शब्द भी वास्तविक रूप में अपने जीवन में उतार लेते हैं, आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियाँ सिर्फ उस सत्संग के ही प्रभाव से दूर हो जाएंगी। तो कहा भी गया है कि 5 पहर धंधा किया, 3 पहर गए सोए, 1 घड़ी ने सत्संग किया तो मुक्ति कहाँ से हो। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई कहानी पसंद आई होगी। ऐसी रोचक कहानियों व जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।